नमस्कार दोस्तों, रेनटेक में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ गूगल के 10 ऐसे शानदार एप्लीकेशन के बारे में जो कि आपके काम आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक रियल रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस रियल रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज के समय में एंड्रॉयड फ़ोन सबके पास होती है और गूगल प्ले स्टोर पर बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, बहुत सारी ऐप में ऐड भी आता है जो हमें परेशान करते हैं। इसमें कुछ ऐप्स गूगल द्वारा भी बनाए गए हैं जिनमें ऐड की समस्या कम या पाई ही नहीं जाती है। इसमें कई ऐप्स हमारे बड़े काम के हैं। जो पहला नंबर एप्लीकेशन आता है गूगल का, वॉलपेपर्स आता है। वॉलपेपर्स तो सभी अपने फ़ोन में लगाते ही हैं। गूगल की इस वॉलपेपर्स ऐप के माध्यम से हम हर दिन नए वॉलपेपर लगा सकते हैं। गूगल ने इसमें नए इमेज के कनेक्शन, आर्ट के कनेक्शन और सेटेलाइट से ली गई पृथ्वी के फ़ोटो भी शामिल किया जाता है। जो दूसरा नंबर एप्लीकेशन आता है गूगल ट्रिक्स आता है। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपके काम आ जाएगा ये ऐप। इस ऐप में हम अपने यात्रा से संबंधित सारी जानकारी को रख सकते हैं। यह ऐप हमें बता सकता है कि हम किस जगह जा रहे हैं और वहाँ पर हमें क्या नया करने को मिलेगा। जो तीसरा नंबर एप्लीकेशन आता है फ़ोटो स्कैनर आता है। यह भी बड़े काम आ सकने वाली ऐप है। इसमें हम किसी भी फ़ोटो को स्कैन कर सकते हैं और अपनी डिवाइस में ले सकते हैं और उस फोटो को हम एडिट भी कर सकते हैं। जो चौथा नंबर एप्लीकेशन आता है गूगल ओपिनियन रिवार्ड्स। इसमें हम थोड़ी बहुत कमाई भी कर सकते हैं। इस ऐप में गूगल जो सर्वे करता है कि आपको गूगल का प्रोडक्ट कैसा लगा, आपने गूगल के प्रोडक्ट का उपयोग किया है, ये कमाई आपको क्रेडिट के रूप में मिलती है। इसकी मदद से आप ऐप्स, मूवीज़ या गूगल्स के जुड़ी हुई चीज़ें को भी खरीद सकते हैं। जो पांचवा नंबर एप्लीकेशन आता है फाइल्स गो आता है। यह फाइल्स मैनेजिंग ऐप है। इससे हम किसी को भी बिना डेटा के फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अन्य शेयरिंग ऐप की तरह कोई ऐड नहीं आती है। जो छठा नंबर एप्लीकेशन आता है गूगल फिट आता है। यह ऐप हमें फिट बनाए रखने में मदद करता है। यह फिटनेस को ट्रैक करता है। ये आपके चलने, भागने और एक्टिव रहने के सारे रिकॉर्ड को रखता है और साथ ही ये उस डिवाइस से जुड़ सकते हैं जिसे आप अपने साथ रखते हैं। जो सातवां नंबर एप्लीकेशन आता है डेटाली आता है। इस ऐप से आप अपने डेटा यूजर्स को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। इसमें हम अपने फ़ोन में होने वाले डेटा को कंट्रोल भी कर सकते हैं। जो आठवां नंबर एप्लीकेशन आता है गूगल क्लासरूम आता है। ये ऐप हमें क्लासरूम के जैसा वातावरण देता है। इस ऐप के मदद से आप अपने असाइनमेंट और होमवर्क कर सकते हैं। हम जरूरी गाइडेंस अपने टीचर से ले सकते हैं। इसमें सारे गाइडेंस ऑनलाइन किया जाता है। जो नौवां नंबर एप्लीकेशन आता है आर्ट्स एंड कल्चर। यह कला प्रेमियों के लिए बड़े ही काम के ऐप है। यह हमारे पास की जगह में हो रहे आर्ट इवेंट के बारे में बताता है। इस ऐप में हम अपने आर्ट के कनेक्शन को भी रख सकते हैं। जो दसवां नंबर एप्लीकेशन आता है गूगल कीप। यह एक प्रकार का रिमाइंडर ऐप है। इस ऐप में आप अपने ज़रूरी काम को सामान की लिस्ट बनाकर रख सकते हैं। समय और जगह के हिसाब से रिमाइंड को भी सेट कर सकते हैं। दोस्त, मैंने इस वीडियो में बताया था गूगल के 10 शानदार एप्लीकेशन के बारे में जो कि बड़े ही काम के एप्लीकेशन है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक रियल रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस रियल रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।